दोस्तों आज के इस वीडियो में 10 ऐसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर के बारे में जानेंगे जो एक बेहतरीन क्रिकेटर होने के साथ साथ खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड को भी पछाड़ देती है। तो आइए नजर डालते हैं सबसे खूबसूरत भारतीय महिला क्रिकेटरों पर, तो अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और क्रिकेट की अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दसवां है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना दुनिया भर के लोगों के लिए क्रश है। अपने लुक्स से इस महिला क्रिकेटर ने कई यंगस्टर्स का दिल चुरा लिया है। वह टीम इंडिया की सक्रिय सदस्य है। महाराष्ट्र की यह लड़की महाराष्ट्र की अंडर 15 और अंडर 19 टीम में शामिल हो चुकी है। स्मृति मंधाना ने लगभग 7 साल पहले सीमित ओवरों के दोनों प्रारूपों के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन किया था। नवा है प्रिया पुनिया। प्रिया पुनिया दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं। तेज तर्रार महिला क्रिकेटर ने अपना पहला 50 ओवर का खेल पिछले साल प्रोटियाज के खिलाफ खेला था। प्रिया पुनिया जयपुर की छोटी सी नगरी से खेलती हैं और अपने आकर्षक रूप के लिए निश्चित रूप से सबका ध्यान खींच ही लेती हैं। आठवां है वेदा कृष्णमूर्ति। खूबसूरत और प्रतिभाशाली वेदा कृष्णमूर्ति अपने दमदार लुक्स और क्रिकेटिंग स्किल्स के लिए देश भर में मशहूर हैं। जो कर्नाटक के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने क्रिकेट अकादमी बेंगलुरु में 13 साल की उम्र में अपना पहला प्रशिक्षण शुरू किया। वेदा उन कुछ क्रिकेटरों में से एक है जिन्हें महिलाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय फ्रेंचाइजी आधारित क्रिकेट के लिए चुना गया है। सातवां है तानिया भाटिया। भारतीय टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज तानिया भाटिया बेहद ही कम समय में टीम इंडिया में अपनी पहचान बना ली। बता दें कि घरेलू क्रिकेट में तानिया पंजाब के लिए खेलती हैं। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने उनकी ट्रेनिंग करवाई थी। छठा है मिताली राज। मिताली राज की गिनती भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में होती है। वायु सेना की पृष्ठभूमि वाली तमिल लड़की ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए। इस तमिल महिला ने सभी 3 प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और अपने आसपास के विवादों के बावजूद वह कई युवाओं के दिलों की धड़कन बनी हुई है। पांचवा है नेहा तनवर। इस लिस्ट में पांचवा नाम नेहा तनवर का है जो एक बेहतरीन क्रिकेटर के साथ साथ खूबसूरत महिला क्रिकेटर भी हैं। साल 2004 में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था। उन्हें साल 2011 में टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला। नेहा दाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज के साथ साथ बेहतरीन ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं। चौथा है मोना मेश्राम। मोना मेश्राम विदर्भ क्षेत्र से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। यह महिला क्रिकेटर अपनी बल्लेबाजी शैली और अच्छे लुक्स के लिए जानी जाती हैं। वह एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। मोना देखने लायक हैं और मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह स्टारडम का लुत्फ उठाती हैं। तीसरा है हरमनप्रीत कौर। एक शानदार ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर एक अद्भुत क्रिकेटर हैं। कौर पंजाब की धरती से ताल्लुक रखती हैं। कौर 20 ओवर के प्रारूप में टीम इंडिया की कप्तान है। वह प्रतिष्ठित विश्व के T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100+ स्कोर करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। 2013 में कौर को टीम इंडिया के कप्तान की भूमिका दी गई। उसका रूप और खेल भावना उसे एक वफादार प्रशंसक बनाती है। दूसरा है जेमिमा रोड्रिक। इस लिस्ट में दूसरा नाम जेमिमा रोड्रिक्स का है जिन्होंने बेहद ही कम उम्र में टीम इंडिया में अपनी जगह बना ली। शुरुआत से ही उन्हें खेल में रुचि थी। वो अपने राज्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की हॉकी खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। जेमिमा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। पहला है हरलीन देओल। दाएं हाथ के तेज तर्रार बल्लेबाज हरलीन देओल एक युवा और प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं। हिमाचल प्रदेश की यह लड़की कभी कभी दाएं हाथ से लेग स्पिन गेंदबाजी भी करती है। हरलीन के पास अच्छा दिखने के साथ असाधारण क्रिकेट कौशल है। पहाड़ों की नगरी से ताल्लुक रखने वाली इस लड़की ने पिछले साल अपना पहला 50 ओवर का अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। इस हिमाचली क्रिकेटर को उनके डैशिंग लुक्स के लिए भी जाना जाता है।